हेलो एवरीवन, आप में से मेरे एक दोस्त का सवाल था या मेरे भाई का सवाल था कि हम जो है एक नॉर्मल अकाउंट को क्या जनधन अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आपका अगर जनधन अकाउंट यानी कि एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, उसे अगर आप जनधन अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये एक्चुअली हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ मतलब नियम है कि आपको सबसे पहले आपका जो सेविंग अकाउंट है या आपका एक मेंटेन बैलेंस अकाउंट है उसे बंद करना होगा। और अकाउंट बंद करने के लिए ये मैं एक अलग से एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा ये। लेकिन एक दिन बाद आएगा इसका वीडियो कि अकाउंट कैसे बंद किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जो है अपना सेविंग अकाउंट या नॉर्मल कोई भी जो अकाउंट यूज़ कर रहे हैं उस अकाउंट को पूरी तरह से क्लोज करना होगा, और ये क्लोज बैंक जाके ही होगा, यानी कि अकाउंट बंद जो होगा आपका बैंक से ही करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है अकाउंट बंद करने का, ठीक है। ये जो आपको अकाउंट बंद करना है ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होता है, ये आपको बैंक जाकर ही करना पड़ता है। अगर आपका सक्सेसफुली अकाउंट बंद हो जाता है, अकाउंट बंद एक्चुअली 1 से 2 दिन में ही हो जाता है, और उसके बाद जो है आप अपना नया अकाउंट फॉर्म फिलअप करके या ऑनलाइन जिस भी जरिए से आप खोलना चाहते हैं, ऑनलाइन में हो सकता है नहीं हो नॉर्मल, लेकिन ऑफलाइन में है ये ब्रांच में। अगर आप जाएंगे विजिट करेंगे तो आपको एक जनधन अकाउंट का अकाउंट सक्सेसफुली ओपन कर दिया जाएगा, जिसमें आपको ATM कार्ड, चेकबुक सभी की सुविधा मिलती है। लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, हो सकता है अभी फिलहाल नहीं मिले ATM कार्ड, कुछ दिन बाद मिले, लेकिन मिल सकता है। और ये अकाउंट ओपन होता है सक्सेसफुली, और इसके जो है प्राइवेट होने के बाद क्या चार्ज ज़्यादा लगेंगे, ये भी सवाल किया था। तो देखिए, अगर बैंक प्राइवेट होती है तो चार्ज लगेगा 100% की, ज़्यादा चार्ज लगेगा, क्योंकि एक नॉर्मल चीज़ में आप मतलब समझिए कि एक प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कितना अंतर होता है। कि एक मतलब गवर्नमेंट चीज़ है तो उसमें आपका 100% की चार्ज कम लगेगा, और अगर आपका एक प्राइवेट चीज़ है तो उसमें चार्ज 100% की थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। अब ये नहीं कि मतलब एकदम हाई फाई प्राइवेट तो है कि 10,000 मेंटेन करना है या ATM कार्ड का 500 रुपया चार्ज होगा, वो हो सकता है कि उसमें कुछ बढ़ोतरी किया जाए GST, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी GST भी देना पड़ता है, इसीलिए अगर प्राइवेट हो गया तो वो GST जोड़ उड़ के मतलब एक कार्ड का 200 रुपये जैसे चार्ज होता है, तो वैसे धरिए कि 250 से 260 के बीच होगा GST यूज़ करके। तो वैसे आप पहले लेकिन आपको अकाउंट बंद करना होगा, उसके बाद ही आप नया जनधन अकाउंट ओपन करना सकते हैं। अगर बिना अकाउंट बंद किए नया अकाउंट ओपन नहीं होगा, उसी डॉक्यूमेंट से और उसी हाँ दूसरे के नाम पे होगा। अगर दूसरे भाई के वहाँ या भैया पापा किसी के नाम पे भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके नाम से पहले अकाउंट है तो ओपन नहीं कर सकते, पहले आप उसे अकाउंट को बंद करवाना होगा। आई होप कि ये वीडियो चली वीडियो को लाइक कीजिए, एक रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं चाहिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।